इसीलिए मेरे आका सल्लल्लाहु तआला अलैहि वसल्लम से सवाल किया गया था। सहाबा ने पूछा, दुनिया की ताकतवर चीजों में बड़ी ताकत वाली चीज कौन सी है? तरतीबवार हुजूर अकरम सल्लल्लाहु तआला अलैहि वसल्लम ने इरशाद फरमाया, लोहा है। लोहा बहुत मजबूत चीज है। सहाबी ने पूछा, क्या उससे भी ज्यादा ताकतवर कोई चीज है? कहा हां, उससे भी ज्यादा अगर ताकत आग में है, क्योंकि आग लोहे को पिघला देती है। पूछने वाले ने कहा, क्या आग से भी ज्यादा ताकत किसी में है? हुजूर ने फरमाया, हां पानी में है, पानी आग को भी बुझा देता है। पानी की ताकत बहुत ज्यादा है, सुनामी पानी ही से तो आता है। और उसके बाद फिर पूछने वाले ने कहा, क्या पानी से भी ज्यादा ताकत किसी की है? आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने फरमाया, हां दुनिया में सबसे ज्यादा ताकत हवा के अंदर है। वो पानी हो कि लोहा हो कि आग हो, सबको हवा उड़ा ले जाती है। और हवाएं जब जोश में आए या जलाल में आए तो बड़े बड़े पहाड़ भी खसक सकते हैं। हवाओं की ताकत का अंदाजा तुम नहीं लगा सकते। घरों की छतें उखाड़ लेंगी और लोगों को तहस नहस कर देंगी हवाएं अगर जलाल में आई तो। फिर पूछने वाले ने पूछा, क्या उससे भी ज्यादा ताकत किसी के अंदर है? हुजूर पाक सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने फरमाया, हां एक चीज में है और उससे ज्यादा फिर किसी की चीज में नहीं। पूछा, वो क्या है? मेरे आका सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम फरमाते हैं, उस हाथ में हवा से ज्यादा ताकत है जो अल्लाह की राह में अता किया तो दूसरे हाथ को खबर लाऊं। ये इखलास वाला हाथ, इखलास वाला हाथ, कि उसे खुद खबर ना हुई हो कि उसने अल्लाह की राह में दिया है तो कितना दिया, कैसे दिया। मेरे अजीजों, ये इसको इखलास कहते हैं। ये खालिस अल्लाह के लिए दिया, खालिस अल्लाह के लिए दिया, उसकी ताकत बहुत ज्यादा है।